नमस्कार। आज फिर से आप लोगों के लिए मेंस की दो कॉपी हम लोग लेकर के आए हैं, ताकि आप अपने उत्तर लेखन की कला में थोड़ा सुधार कर सकें, जिसके बिहाफ पर आप आधा एक मार्क्स एक्स्ट्रा पा सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको निश्चित तौर से आपके अपकमिंग 17 बीपीएससी मेंस एग्जाम में आपकी रैंक वगैरह सुधारने में मददगार साबित होगा। क्वेश्चन है भारत परिषद अधिनियम 1861। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला चीज तो यही है कि दो पन्ने वो लोग देंगे आपको शॉर्ट आंसर के लिए, और आप में से जिनकी भी ये कॉपी है उन्होंने एक पन्ने में ही चीजों को बहुत कंजस्टेड तरीके से आपको एडजस्ट करने का प्रयास किया है। तो अगर दो पन्ने वो लोग दे रहे हैं तो दो पन्नों का सदुपयोग करेंगे, कोई पन्ने वगैरह आपको फाड़ करके वो ले जाने नहीं देंगे। अंतोगत वो पन्ने उसी आपकी कॉपी में रहने वाले हैं, तो साफ साफ लिखने का प्रयास करेंगे। दूसरा चीज, ये जो क्वेश्चन है ये आपसे हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है, पॉलिटी में भी पूछा जा सकता है। तीसरा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि हर क्वेश्चन के लिए आप अलग से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं लिख सकते हैं, नहीं याद करके जा सकते हैं। तो अगर आप लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी है ना, ओल्ड वाली एनसीईआरटी, उसका अगर दूसरा तीसरा और चौथा चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो एज सच मेन्स एग्जाम में लिखने के लिए आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक रेडीमेड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का काम कर रहे होंगे। मुख्यतया उसमें ब्रिटिश आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियों की निंदा ही की गई है, जिसमें बताया गया है कि उनकी भले देखने में अलग अलग ये सब एक्ट आपको लग सकते हैं कि किसी एक्ट का नाम 1861 है, कोई 1892 का है, लेकिन अंतोगत्वा इन सबका अंतिम लक्ष्य, डिस्गाइज्ड लक्ष्य, छुपा हुआ लक्ष्य क्या था? भारत के ऊपर कड़ा से कड़ा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, तो इस कॉपी में देखिए क्या लिखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के प्रयासों से तथा संवैधानिक विकास के क्रम में यह अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, तो कैनिंग उस समय इंडिया पर रूल कर रहा था, तो दैट मीन्स ये चीज सही है और एक संवैधानिक सुधार के तौर पर इसको लाया गया, बिकॉज 1858 का जो एक्ट था ना वो बड़ी जल्दी जल्दी में बनाया गया था, वो रेडीमेड आपको क्विक सॉल्यूशंस ढूंढे गए थे भारत के लिए। तो जब अंग्रेजों को 1857 के महाविद्रोह से पूर्णतया निजात मिला है, तो उन्होंने कुछ बृहद्तम सुधार करने का प्रयास किए हैं और उन्हीं की कड़ी आपको 1861 का एक्ट दिखता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप यहाँ इंट्रोडक्शन में लिखते ना तो ये चीजें ज्यादा बेहतर होती। आपने 1858 के एक्ट का भी थोड़ा रेफरेंस दे दिया कि वो बड़ी जल्दबाजी में बनाया गया था, जब 1857 के महाविद्रोह से पूर्णतया अंग्रेज निपट लिए तब उनको समझ में आया कि भारत के लिए और एक विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था करनी होगी, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि अंतोगत्वा इनका जो अल्टीमेट एम था ना, वो भारत के ऊपर आपको कड़ा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना था। लिखते तो ज्यादा बेहतर होता, नहीं भी लिखे हैं तो भी इंट्रोडक्शन ठीक ठाक है, बस गलती यही है कि एक पन्ने में आपने आंसर लिखा है, उस क्रम में आपका आंसर जो है थोड़ा कंजस्टेड हो रखा है। वायसराय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई है, ये सही फैक्ट है तो इसको आप सही मानेंगे। दूसरा, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई है। ठीक है, विभागीय प्रणाली मतलब क्या होता है कि भारत सरकार के प्रशासनिक कामों को या राज्य सरकार के प्रशासनिक कामों को अलग अलग विभागों या अलग अलग मंत्रालयों में आप बांट दीजिए। एक चीज संभवतः आपको पता होगा कि केंद्र सरकार में कार्यों का विभाजन विभिन्न मंत्रालयों के बीच होता है और मंत्रालयों को ही राज्य सरकार के स्तर पर विभाग कहते हैं। केंद्र सरकार में जो भी विभाग होते हैं उन इसका मतलब कि या तो वो कम इंपॉर्टेंट है या एक बड़े मंत्रालय को ही बहुत सारे विभागों में भी बांट दिया जाता है। तो ये एक चीज हो गया, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। वायसराय को अध्यादेश पारित करने की शक्ति दी गई। अभी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 123 हो गया या 213 हो गया, जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में है, उसकी सदृश्यता आप यहीं से देख सकते हैं। अंग्रेजों को ऐसा समझ में आया कि भाई अगर इंडिया में अगला कोई ऐसा बड़ा विद्रोह हुआ और जो भी यहाँ का प्रमुख होगा, ऐसा ना हो कि वो इंग्लैंड फोन घुमाता रह जाए कि भैया आगे बताओ क्या करना है, उसको इमिडिएटली आप एम्पावर करिए कि भारत के लिए वो एक कम लंबे कालखंड के लिए, एक छोटे समय के लिए आपको क्या कर सके, आपको नियम कानून बना सके। ठीक है, तो ये चीजों की भी शुरुआत आपको इसी अधिनियम से की गई है, उसको देखेंगे।
उसके चौथे पॉइंट में लिख रखा गया है कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 से लेकर के 12 तक होगी, इसमें आधे गैर सरकारी होंगे और भारतीय भी शामिल हो सकते थे। अंग्रेजों को लगा कि 1857 के महाविद्रोह का एक रीजन ये भी था कि भारतीयों को प्रशासन में जगह नहीं मिल रही थी, जिसके कारण वो असंतुष्ट थे। इसीलिए बोला गया कि ठीक है, जो भी आपको गैर सरकारी सदस्य होंगे उनको भी क्या किया जाएगा कि आपको परिषद में जगह दी जाएगी। वायसराय परिषद तथा अतिरिक्त सदस्यों को मिला करके इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया, ये भी सही है। और फिर एक लाइन का इन्होंने कंक्लूजन लिखा है कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम लगभग 30 वर्षों तक इससे शासन का संचालन होता है, जो 1892 के अधिनियम द्वारा सुधार किया गया। ये कंक्लूजन भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में, और इससे रिलीवेंट बातें भी लिख सकते हैं। ऐसे कंक्लूजन लिखने का सबसे अच्छा फायदा ये होता है ना कि ये रेडीमेड आपका कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन होगा। जैसे 1861 के बारे में आप क्या लिखिए कि 1858 के एक्ट की अगली कड़ी है, और कंक्लूजन में लिख दीजिए कि इसमें जो गलतियां अंग्रेजों को लगी उन्होंने अगले अधिनियम 1892 में चीजों को सुधारा। इस कॉपी में आपकी दो तीन ही गलतियां हमको दिखी। पहली गलती तो ये कि दो पन्नों में आप आंसर लिख सकते थे, लेकिन आपने एक पन्ने में चीजों को कंपाइल करने का प्रयास किया। दूसरा, आप अपनी हैंडराइटिंग को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो अच्छी हैंडराइटिंग होती है ना, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई लिखाई छोड़ के हैंडराइटिंग अच्छा करने लगे, बट फिर भी आपने अच्छी हैंडराइटिंग कर रखी है, एक आध अगर चार्ट डायग्राम वगैरह डाल रखे हैं, तो आपका आंसर और अच्छा प्रभावी हो सकता है। अगर आप कॉपी चेक करने वाले की मदद करेंगे तो वो आपको खुश होकर के जरूर मार्क्स देगा, और वरना कहीं ना कहीं उसके फ्रस्ट्रेशन का आपको शिकार होना पड़ सकता है। अब मोर और लेस यही बातें ना एक दूसरी कॉपी में भी आपको लिखा हुआ दिखाते हैं, और इसमें बहुत सजा धजा करके चीजें लिखी गई हैं, इसीलिए इस कॉपी को थोड़ा मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। क्यों ऐसा हम लोग देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 के विस्तार हेतु ब्रिटिश सांसद के द्वारा, यहाँ पर संसद होना चाहिए था, एक छोटी सी गलती ये है कि यहाँ पर सांसद लिख दिया गया है, ठीक है। हाउएवर 5-6 मिनट में आंसर लिखते समय, अगर आपने वाकई में इस आंसर को 5-6 मिनट में लिखा है, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, ना हो तो ज्यादा बेहतर है, और कभी कभी एग्जामिनर इन चीजों को इग्नोर भी कर देते हैं। तो लिख रखा है कि 1858 के विस्तार हेतु ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लाया गया, जिससे भारतीय शासन व्यवस्था को और सुदृढ़ दिखाया जा सके। देखिए बहुत खूबसूरती से यह इंट्रोडक्शन लिखा गया है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि अंग्रेजों का एक मलिशियस एजेंडा था, एक अल्टीरियर मोटिव था, एक छुपा हुआ मोटिव था कि भारत को क्या करना है कि इसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना है। हाउएवर आप दिखा क्या रहे हैं कि हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, कागजी तौर पर ये दिखा रहे हैं कि भारत की जो शासन व्यवस्था है और हम दक्षता और पारदर्शिता लाएंगे। अगली चीज देखिए क्या लिख रखा है। इसके प्रावधानों को इन्होंने पॉइंट टेबल में ऐसे कर दिया है, एक छोटा मोटा चार्ट जैसा बना दिया है, और आप लोग अभी से आंसर लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए इस कॉपी में बड़ी खूबसूरती से आप ही में से किन्हीं ने क्या किया है कि चूंकि आप लिखने जाएंगे ना, तो एक A4 साइज पेज में इतनी चीजें आप नहीं हटा सकते हैं, तो इस कॉपी से सीखिए कि कुछ बातों को इन्होंने यहां लिख दिया, उसके नीचे एरो डाल करके चीजों को यहां लिख दिया, फिर यहां लिख दिया गया है, और ऐसे करके इन्होंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को बता दिया है। एक पॉइंट जो पिछले कॉपी में छूटा हुआ था कि बंबई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, ये पिछले कॉपी में भी था, हाउएवर ये चीज मिसिंग था, जिसके बिहाफ पर हम थोड़ा और अच्छा मार्क्स देंगे। वायसराय की शक्ति का विस्तार किया गया, उसकी परिषद में और लोगों को जगह दिया गया, और स्पेसिफिक होकर के बात किया जाए तो 3 भारतीयों को जगह दिया गया, एक सर दिनकर राव साहब थे, उसके अतिरिक्त बनारस और पटियाला के महाराजों को भी इसमें जगह दी गई। वायसराय को कानून बनाने की इजाजत दी गई, बात हम लोगों ने किया है कि अगला कोई विद्रोह हो जाए 1857 टाइप, तो उसमें क्या किया जाएगा, तो तुरंत वायसराय को आप एम्पावर करो कि वो नए नियम कानून बना सके, और वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसका भी इसमें क्या किया गया, विस्तार किया गया।
अब इन्हीं चीजों को देखिए वो क्या कर रहे हैं, डिटेल से उन्होंने बता रखा है। जैसे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, इसमें एक पांचवां सदस्य जोड़ा गया जो विधि वेता होता था, ठीक है। ये लाइन देखिए पिछली कॉपी में मिसिंग थी, इसके लिए हम इनको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर देंगे। कानून बनाने की शक्ति, वायसराय को कानून बनाने की शक्ति दे दी गई जिससे भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी, ठीक है। अब ये आपको प्राइमा फेसिस सही लाइन लग रहा होगा, लेकिन इसमें छोटी सी एक गलती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कानून बनाने के लिए आपको जहां पर एम्पावर किया गया है प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, वो आर्टिकल 123 और 213 है कानून बनाने के लिए। लेकिन जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है ना, क्या मंत्रिमंडल का गठन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74(1) में दिया गया है, वो क्या नियम कानून बनाने के लिए होता है? क्या वो नियमों कानूनों के अनुसार देश के प्रशासन को चलाने के लिए होता है? वो कार्यपालिका होता है मंत्रिमंडल, न कि आपको विधायिका होता है, ठीक है। तो ऊपर आप बात कर रहे हैं विधायिका की और नीचे बात कर रहे हैं कार्यपालिका की, दोनों चीजों के बीच थोड़ा सामंजस्य नहीं दिखता है, इसीलिए इस लाइन को और बेहतर फ्रेम किया जा सकता है। आप में से जिनकी भी कॉपी है, यही एक लाइन हमको ऐसा दिखाना जिसमें थोड़ा आप सुधार कर सकते थे, ठीक है। तो इस लाइन को और बेहतर करके लिखेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वायसराय को संकटकालीन स्थिति में, देखिए बड़ी खूबसूरती से इन्होंने वर्ड भी ऐड किया कि आप अध्यादेश कब जारी करते हैं, संकटकालीन स्थिति में। जितनी राम कहानी हम आपको बताएं कि 1857 का रिवोल्ट हुआ, अंग्रेजों को लगा कि अगला रिवोल्ट होगा तो जो भी भारत पर शासन कर रहा हो अंग्रेज, उसको आप एम्पावर करो, उसके हाथ मजबूत करो कि ठीक है समय आने पर आप अपनी इच्छा अनुसार नेसेसरी डिसीजंस ले सके। इसी चीज को बस एक शब्द में खूबसूरती से पिरो दिया गया है, संकटकालीन स्थिति में, ठीक है। तो ये अच्छा लिखा गया है, ये अध्यादेश अधिकतम 6 महीने तक लागू रह सकते थे, अभी के समय में भी यही आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, ठीक है। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा गया है कि उच्च न्यायालय की स्थापना, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत बंबई, कलकत्ता व मद्रास में 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये चीज भी पिछली कॉपी में मिसिंग थी, तो ये दो पॉइंट के बिहाफ पर ही आप देखेंगे ना कि इस कॉपी में आपको आधा एक मार्क्स ऑलरेडी ज्यादा मिल चुके होंगे। उसके अगले में देखेंगे कि कानून बनाने के लिए जो कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को वायसराय नियुक्त कर सकते थे, जिसमें से न्यूनतम आधे सदस्य क्या होते थे, गैर सरकारी होते थे। इस तरीके से कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों की गुंजाइश बढ़ी, जिससे भारत के लिए सकारात्मक रूप में देखा जा सकता है। ये कंक्लूजन भी पिछले वाले से बेहतर है, आप देख सकते हैं कि इसमें एक सकारात्मकता का भाव है कि अंग्रेजों ने क्या दिखाया ना हम इंडियंस को कि ठीक है तुम लोगों से भी पूछ करके हम नियम कानून बनाएंगे, और ठीक इसी थीम की झलक आपको इस कॉपी में दिखेगी। इसमें एक चीज और आप एक्स्ट्रा क्या इंक्लूड कर सकते हैं ना कि जो भी आपको दूसरी प्रेसिडेंसीज थी, जैसे मद्रास हो गई, मद्रास प्रांत की परिषद हो गई, या आपको बंबई प्रांत की परिषद हो गई, इनको 1773 के एक्ट के द्वारा क्या किया गया ना कि बंगाल के अधीन कर दिया गया, बंगाल के अधीन कर दिया गया बॉम्बे को और मद्रास को। क्यों ऐसा? क्योंकि 1757 और 1764 के पलासी और बक्सर के युद्धों में क्या किया अंग्रेजों ने, बंगाल को जीता। इनिशियल डेज में अंग्रेजों का खर्चा पानी इस देश में बंगाल के रिवेन्यू से ही चलता था, तो किसी भी हालत में आप बंगाल को अपने हाथ से नहीं निकलने देंगे। और तब इन्होंने क्या किया कि चूंकि अगर बंगाल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है तो सारे काम हम बंगाल की जो प्रांतीय परिषद है उसी से पूछ करके करेंगे, और तभी 1773 के एक्ट में ऐसे प्रावधान किए गए, उस चीज को हटा दिया गया। आप ऐसा कह सकते हैं कि 1773 का एक्ट था वो केंद्रीकरण की प्रक्रिया को लेकर के आपको ये था, केंद्रीकरण की प्रक्रिया को क्या करता था, बढ़ावा देता था। इसके ठीक विपरीत जा करके कानून बनाने की शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, और बंबई और मद्रास के प्रांतों को भी बोल दिया गया कि भाई अब आप लोग भी अपना कानून बना सकते हैं। उस समय आप समझ सकते हैं कि कोई व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना नहीं रहा होगा,
कि आप इतनी सुगमता से ई गवर्नेंस आधारित प्रशासन कर सकते हैं। अगर वहां के कोई स्थानीय गवर्नर हैं जो किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो उनके लिए सच गाइडलाइंस अगर आने में देर हुआ ना बंगाल से, तो क्या होगा कि तब तक पता चलेगा कि बंबई और मद्रास से आपका शासन तंत्र ही उखड़ गया। इसी गलती को सुधारते हुए उन्होंने क्या किया कि नियम कानून बनाने की शक्तियों का विकेंद्रीकरण बंबई और मद्रास तक किया। ठीक है, तो दो कॉपी हम लोगों ने देखी। इस दूसरी कॉपी में भी छोटी छोटी एक गलतियां थी, लेकिन फिर भी पिछली वाली कॉपी को अगर 4-3.5 नंबर मिलेंगे, 4.5 नंबर मिलेंगे, तो इस कॉपी को जरूर 5-5.5 या 6 नंबर मिल रहे होंगे। एक तो देख सकते हैं कि कितनी सजा करके चीजें लिखी हुई हैं, एक टेबुलर फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, और ये कॉपी 2 पेजों तक भी विस्तृत है। ठीक है, तो ऐसे ही किसी सेशन में कुछ और आंसर राइटिंग भी हम लोग सीख रहे हैं।